नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सागर जिले से। जी हां, सागर जिले में आज कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया। जी, सिविल लाइन पर जमकर पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ जो है हल्ला बोल किया गया है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल और खाद्य तेलों के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत आज शुक्रवार को सागर शहर में भी सिविल लाइन पेट्रोल पंप और सागर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। और हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मूल वृद्धि वापस लेने की मांग भी की है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लहराते हुए नजर आए हैं। साथ में आज फिर से थाली बजी है, लेकिन थाली बजने का कारण आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होना है। जी हाँ, कांग्रेस ने थाली बजाई है। जी हाँ, थाली बजाकर मूल वृद्धि का विरोध किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने मोर्चा संभाला और विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक रूप से कच्चे तेल के भाव कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना महामारी की आपदा को झेल रहे देश की जनता जहां एक तरफ अपने रोजगार से वंचित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल रसोई गैस खाने के तेल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार उद्योगपतियों की जेब और अपनी सरकार खजाना भर रही है। ये बड़ी बात कांग्रेस ने कही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष की भूमिका यही है जो आज कांग्रेस कर रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में पेट्रोल आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर आज आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है पेट्रोल भरवाना। सुनिए जरा क्या कहना है कांग्रेस नेत्री रेखा चौधरी का। कोरोना की आपदा के दौर में जिस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल उतना महंगा नहीं है जितना महंगा पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। आप देखिए कि जहां जनता एक ओर इस महामारी से जूझ रही है, व्यापार ठप है, रोजगार ठप है, लोगों के खाने की व्यवस्था नहीं है, और नरेंद्र मोदी की सरकार इस समय पेट्रोल डीजल गैस रसोई गैस और उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय खाद्य तेलों पर जो महंगाई की मार इस समय पड़ी है वो बहुत ही चिंताजनक विषय है। और आपने जैसे कहा कि जनता तो देखिए खाने का तेल और पेट्रोल और डीजल ऐसे पदार्थ हैं जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो हर व्यक्ति को उसका उपयोग करना होता है। रसोई गैस है, हर किसी के घर में रसोई घर का गैस का उपयोग होता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अति धर्म वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं है जो इन मूल्य वृद्धियों से परेशान ना हो, जिसको इस मूल्य वृद्धि से अंतर ना पड़ता हो। और आज देश का हर व्यक्ति गृहणियां युवा साथी महिलाएं नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं और इस बात को कोस रहे हैं कि किस तरीके से हमने नरेंद्र मोदी की सरकार लाई पूछना पड़ रहा है और इतनी महंगाई की मार हमको झेलनी पड़ रही है। ये खाद्य तेल के जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, सरसों का तेल ही ले लीजिए 200 से भी पार हो गया, 225 हो गया, इसका क्या लगता है रीजन, कोई ठोस रीजन समझ में नहीं आ रहा। देखिए आप ये देखिए कि पहले तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो व्यापारियों की सरकार है और कुछ बड़े बड़े उद्योग व्यापारी जो है जो पीछे से भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम उस सरकार को चलाने का काम करते हैं, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो चाहे ऐसे अन्य व्यापारी लोग। और सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा सरसों के तेल का उत्पादन अगर कोई कराता है तो अडानी ग्रुप कराता है। तो जाहिर सी बात है जो फंड दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो दलाली दे रहे हैं, उनकी तो तेल महंगा बिकेगा ही बिकेगा। और यही कारण है कि भारत देश में सरसों का तेल हो चाहे खाद्य तेल हो चाहे पेट्रोल डीजल हो सब कुछ महंगा पड़ रहा है। जनता मर जाए इससे भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को मतलब नहीं है, लेकिन उनके वो दोस्त जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम किया है, चंदा देने का काम किया है, उनकी जेबें भरना चाहिए, बस उनको तो इससे मतलब।